सर अगर आपको यकीन नहीं है तो हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। आप जहाँ बोलेंगे वहाँ, उस पर तो आपको यकीन हो जाएगा ना? हाँ सर, यही ठीक रहेगा। हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट में ये बात प्रूव हो गई कि वो बच्ची हृदय की है तो? अरे शुभ शुभ बोलो, जब मुंह खोलता। दुआ करो कि ये टेस्ट नेगेटिव आए। हाँ, दुआ कर दो कि नेगेटिव आए, लेकिन अगर नहीं आए तो बच्चे को मारना होगा। मजूमदार खानदान की तीसरी जनरेशन किसी भी हाल में नहीं आनी चाहिए। अगर नील तुम चाहते हो कि प्रॉपर्टी के सारे पेपर और सारे पैसे तुम्हारे नाम पे हो तो उस बच्चे को खत्म करना ही होगा, और ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। और रही बात उस अस्मिता की, तो अब तो उसका बॉडीगार्ड शान भी उसके साथ नहीं है, तो अब अस्मिता को मेरे कहर से कौन बचाएगा? कितना कुछ किया इस परिवार के लिए, लेकिन आज भी मैं कहीं नहीं हूँ। इतनी नफरत कि मुझे अपने अतीत से भी मिटा दिया और अपनी यादों से भी। अस्मिता के हाथ में बच्चा किसका है? I'm sorry रितु, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, पर तुम्हारी बेटी को मैंने बचा लिया। ये देखो, ये तुम्हारे पापा है। देखो ना, मैं नक्श एकदम सेम है ना? अस्मिता और हृदय की बेटी। आज इसी की उंगली पकड़कर घर वापस लौटी हूँ। लगा जैसे जैसे शान यहां पर आया था। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। हाँ, लुट गए। ये नहीं हो सकता है, पुचकी का बच्चा। नहीं नहीं, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। ये नहीं हो सकता। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। मैं जानती हूँ मैं झूठ बोल रही हूँ, हाँ नहीं हूँ मैं इस बच्चे की माँ, पर मैं ये भी जानती हूँ इस झूठ के पीछे की वजह, इसके पीछे की मजबूरी को दुर्गा माँ समझेंगी और मुझे माफ कर देंगी। यही नहीं, इस बच्चे को बचाने के लिए अगर मुझे हजार झूठ भी बोलने पड़े ना तो मैं बोलूंगी, और तब भी दुर्गा माँ मुझे माफ कर देंगी। इस बेसहारा, इस मासूम सी जान को मैं झील कवों के बीच अकेला नहीं छोड़ सकती, वरना ये लोग उसे देखते उसे रोचने की फिराक में लग जाएंगे। मैं ऐसा उन्हें नहीं दे सकती। दुनिया की नजरों में मैं इसकी रक्षक बनकर रहूंगी, इसे इसका हक दिलवा कर रहूंगी। किसी भी तरह से इसे इसके हक से महरूम नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती इस दुनिया में शांतनु और पुचकी की कहानी फिर से दोहराई जाए। जिंदगी में जो पाना था उसके लिए तुमने सब कुछ किया, मेरा सब कुछ छीन कर, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरा दिल, सब कुछ छीन लिया तुमने। सब कुछ तहस नहस कर दिया ताकि तुम वो सब कुछ पा सको जो तुम्हें चाहिए था। मजूमदार खानदान का नाम, उसकी इज्जत, उसका पैसा, उसके ऐशो आराम, उसका रुतबा, यही सब तो चाहिए था तुम्हें। घर दिखाया तुमने पुचकी, तुम्हें जो चाहिए था वो सब कुछ हासिल कर लिया तुमने। नफरत की दीवार खड़ी कर दी मेरे और उनके बीच, और खुद वहां जाकर बैठ गई। कैसे पुचकी, इस हद तक तुम कैसे गिर सकती हो? मेरा असली परिवार मजूमदार, माँ, सर, पापा है, मम्मी है, जूनियर है, चाचू है, पीशी है, सब तो है। I hate you, स्मिता। I hate you। तुमने मुझे क्रिमिनल बना दिया। जब मैं तुम्हारे प्यार में पागलों की तरह दूसरे लोगों से लड़ रहा था, उस टाइम तुम बंद दरवाजे के पीछे हृदय के साथ बच्चा पैदा करने में बिजी थी। मेरी भावनाओं का गंदा मजाक बना रही थी तुम। कमाल के खिलाड़ी निकली तुम, वाह सुपर, क्या कमाल का खेल खेला है यार। इस बात पे तुम्हारे लिए तालियां तो बनती हैं, तालियां। लेकिन अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, वादा है मेरा। जैसा तुमने मुझसे वो सारी चीजें छीनी हैं, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। मैं दुनिया में तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगी, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी। अब आगे आके देखती जाओ अस्मिता को मैं क्या करता। तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर ना बना दिया ना तो क्या, तुम्हारे किए की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, और इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ना जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी। I'm sorry, पर आपने हृदय के जो सैंपल्स दिए हैं उससे DNA टेस्ट करना अब नामुमकिन है। सैंपल कॉम्प्रोमाइज्ड है और आई डोंट नो, आप ही बताइए हम क्या करें। डॉक्टर साहब, हृदय हमारा वंश था तो ये बच्चे का DNA हमारे DNA से मैच होना चाहिए ना। आर्यन सर, आप डायबिटिक हैं और 2 पीढ़ी पहले के भी, बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, हम हृदय की मां हैं, आप हमारे सैंपल से मैच कर लीजिए ना। अब आप 1 साल से एंटी डिप्रेशन पर हैं। दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। नीलांबर भी तो चाचा हैं और हमें 1 जनरेशन पहले का सैंपल नहीं मिल जाएगा। इनको बीपी है। 1 मिनट, एक बात बताइए, हृदय के बड़े भाई शान कहाँ पर हैं? उनके सैंपल से तो मैच कराना बहुत इजी हो जाएगा। और वो अरिंदम जी के सगे बेटे भी हैं। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। शान पुत्र का डीएनए सैंपल दे देते हैं, वैसे भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ, सारे शक दूर हो जाएंगे। और ये हृदय की बेटी है या नहीं ये भी पता चल जाएगा। गलत टाइम पे बुढ़िया मुंह खोलती है अपना। That's great। पर हमें ये बताइए कि शान के सैंपल्स मिल तो जाएंगे ना? डॉक्टर शान का सैंपल मिलना पॉसिबल नहीं है। आई एम रियली सॉरी, हम 100% श्योरिटी के साथ डीएनए टेस्ट नहीं कर पाएंगे फिर। ये तो बढ़िया। मेरा मतलब जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चल पाएगा ना कि हृदय की बेटी है कि नहीं, राइट? डॉक्टर डीएनए टेस्ट होगा। मैं शान के सैंपल्स लाऊंगी, बच्चे को अपना हक दिलवाऊंगी मैं। गुड। बोल तो दिया, मैं शान को मनाऊंगी कैसे? कितनी बार कहा है कि लड़कियों का और ड्रग्स का धंधा यहाँ नहीं होता है। तुम लोग को समझ में नहीं आता है ना? हाँ, छोड़ दो इसे शांतनु, ये समझ गया होगा। चल। सर, आपसे एक बात पूछूं? आप हैं तो विलेन, पर हीरो से भी बढ़कर हैं। आज का जमाना जो है ना, वो विलेन का है, हीरो का नहीं। विलेन इज द ट्रू हीरो। विलेन विलेन होता है, वो कभी हीरो नहीं बन सकता। हेलो। हाँ, आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। नो आशा। ये आउटसाइडर नहीं, ये इनफैक्ट एब्सोल्यूट इनसाइडर है। इतनी अंदर तक चोट पहुंचा सकते हैं, इतनी नजदीकी है ये। मैम, आप यहाँ रास्ता भूल गई क्या? ये मेरा पब है, आपका पुलिस स्टेशन नहीं। शान, मुझे अकेले में बात करनी है, बात कर सकते हैं? अकेले में बात करनी है मुझसे? मैंने ठीक तो सुना ना? आई एम सॉरी मैम, लेकिन जब तक मेरा वकील मेरे साथ नहीं होगा ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। वो क्या है ना, मैं फंस जाता हूँ, क्योंकि आप जो हैं वो दिखती नहीं। और वैसे भी आप पुलिस, मैं चोर, हम अकेले में क्या बात करेंगे? अरे कोई है? मैडम अपना रास्ता भूल गई हैं, भटक गई हैं, रास्ता बाहर तक का रास्ता दिखा दो। शान देखो, लिसन टू मी, अगर बात पुलिस या सजा की होती तो मैं वर्दी पहनकर आती ना। शान, सच में जरूरी बात है, बहुत पर्सनल है। पर्सनल? तुम्हें मुझसे पर्सनल बात कर? अब बचाई क्या हम दोनों के बीच बात करने को? शान, एक बार मेरी बात तो सुन लो तुम। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो उससे पहले तुम्हें मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, राइट आयशा? चलो कैबिन में, बहुत काम करना है, राइट? शान प्लीज लिसन टू मी। अरे मैं बिजी हूँ, कांट यू सी? शान एक बार मेरी बात सुनो शान। शान प्लीज जस्ट लिसन टू मी। शान नहीं, शांतनु मजुमदार। कहा था ना, हृदय की बेटी को डीएनए टेस्ट की जरूरत है। मजूमदार को प्रूफ चाहिए कि वो उसकी बेटी है या नहीं। प्लीज हेल्प कर दो। You mean तुम्हारी और हृदय की बेटी? Right, तुम्हारी और हृदय की बेटी, राइट? पापा, पापा, आप यहाँ? पुचकी, गुड़िया तू यहाँ से चली जा, मैं शांतनु को संभाल लूंगा, बस तू यहाँ से चली जा। आप मुझे छोड़कर शांतनु के पास चले गए क्यों? नहीं गुड़िया, तू जैसा समझ रही है वो सच नहीं है। तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो। तूने जब ये ठान लिया कि तू शांतनु से दूर हो जाएगी तो मैं शांतनु के पास चला गया सहारा देने के लिए। उस वक्त उससे ज्यादा उसको मेरी जरूरत थी, इसलिए बेटी। बस हुआ ये इमोशनल रोना था, इससे आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कमाल की हिम्मत आ गई तुझमें, आप दाद देनी पड़ेगी। तुम मुझसे अपने और हृदय की बच्ची के बारे में बात करने आई हूं। मुझसे तुम्हें अपने और हृदय की बच्ची के बारे में बात करनी है ना? हाँ, वो ब्लड सैंपल चाहिए ताकि ये साबित हो जाए कि वो मजूमदार खानदान की बेटी है। हाँ, तो तुम मेरा खून चूसने आई हो। शान, listen to me, मैं अच्छा, अगर मैं ब्लड सैंपल ना दूं और ये साबित ना हो पाए कि वो हृदय की बेटी है तो क्या होगा? उस घर में रहने के जितने भी तुम्हारे फायदे हैं वो सब रद्द हो जाएंगे। नाम, पैसा, घर, इज्जत, सब। वो सारी जायदाद जो तुम्हें उस बच्ची की वजह से मिल सकती है वो नहीं मिलेगी, है ना? सर तो बूढ़े हो चुके हैं, मामा डिप्रेशन में है, तो तुम्हारा रास्ता तो क्लियर है। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जैसे हम दोनों बिना परिवार के, बिना प्यार के जिंदगी को जिया है, ऐसी जिंदगी उस बच्ची को ना मिले। ओ। वाव। महानता की देवी अस्मिता हृदय मजूमदार, उसे अपनी महानता साबित करने के लिए आज मेरी जरूरत पड़ गई। हाँ, लेकिन देख सके, मैं तो एक क्रिमिनल हूं ना, फिर भी मेरा खून आज इंपॉर्टेंट हो गया। शान, प्लीज सखैज़म को थोड़ा साइड में रखो और बताओ ब्लड सैंपल दोगे या नहीं? ठीक है। थैंक यू। मैं जानती थी तुम उस बच्चे की जरूर मदद करोगे। एक सेकेंड, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं खून दूंगा लेकिन एक शर्त पर। शर्त? हाँ। एक पूरा दिन तुम्हें मेरे इशारे पर नाचना होगा। मैं जो कहूं, जैसा कहूं, जब कहूं। ऑलमोस्ट मेरी दासी बन गई। क्या बोल रहे हो तुम? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैं क्रिमिनल के, मुझे नहीं होगा। तो सॉरी, अगर तुमसे नहीं हो सकता है तो मैं भी नहीं कर सकता। तुम जा सकते। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतनी हद तक गिर जाओगे, इस हद तक कि एक मासूम से बच्चे की हेल्प भी ना कर सकूं। तुम्हारे अंदाजे से कहीं ज्यादा गिर चुका हूं मैं और उसकी वजह तुम खुद हो। ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, शहर उगल दूंगा। निकल जाओ यहां से। माना कि तुम जिद्दी हो पर तुम मेरी भी जिद की हद को जानते हो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगी। Try me, baby. Yes, I will.